दोस्तों, लास्ट टाइम पैनासोनिक का मैंने एक 3 जार्स का मिक्सर ग्राइंडर लेकर के आए थे। इसमें सेकंड टाइम जो पैनासोनिक का ये सुपर मिक्सर ग्राइंडर है उससे बहुत ही एडवांस है, 4 जार्स है विथ फ्रूट फिल्टर जार है ये वाला। और पहला वाला मॉडल था AV325, अब उससे एडवांस मॉडल जो है ये AE475 है। ये 750 वॉट का जो सबसे पावरफुल मिक्सर ग्राइंडर है और इसमें ग्राइंडिंग करने टाइम इसकी टाइमिंग भी कम होती है, जो कि नॉर्मली मिक्सर ग्राइंडर है वो मैक्सिमम 21,000 RPM रहता है। इसका सबसे अच्छा RPM है 23,000 RPM पर मिनट होती है, जो आपके ग्राइंडिंग ही परफेक्ट करेगी और टाइमिंग को भी कम रहेगा, उसके अकॉर्डिंग वॉट कंजप्शन भी आपका खर्च कम होगा। तो इसके डिस्प्ले करके मैंने दिखाऊंगा कि इसमें क्या बेनिफिट है और कैसे ग्राइंड करना है, ठीक है दोस्तों। ये इसका ओपन पीस है, देखिए इसके लुक भी बहुत ही स्मार्ट है। और इसमें किस में कौन जार्स कैसे यूज़ करते हैं वो बताऊंगा। और सबसे पहला बेनिफिट जो होता है, जो कस्टमर जो यूज़ कर रहे हैं इसकी बेनिफिट और एक्सीडेंट नहीं होने का चांस, जो बच्चे लोग इसमें छेड़छाड़ कर देते हैं तो कभी लीड खुला रहता है, मिक्सर ऑन हो जाती है, ये सेफ्टी लॉकिंग है, ये लॉकिंग है इसका, विदाउट लॉकिंग ये मिक्सर ऑन नहीं होता, सबसे पहला। दूसरा, ये जार्स अगर ज़रा सा भी लूज रहा मिक्सर ऑन नहीं होती है, ये डबल सेफ्टी लॉकिंग का फीचर्स है। सबसे स्मॉल जार जो है इसको वेट एंड ड्राई जार बोलते हैं, नॉर्मली आम भाषा में इसे चटनी जार बोल सकते हैं, बट पैनासोनिक वेट एंड ड्राई मेंशन करती है। रीज़न इसलिए कि सारे मिक्सर ग्राइंडर की जार्स जो होती है वो एक ही क्वालिटी की होती है। इसके ऊपर 3 तरह का लीड है, इसको बोलते हैं डॉ मेकर, जिसमें आप नारियल को ग्राइंड करना हो या 100 ग्राम 100 ग्राम चने दाल को भी ग्राइंड कर सकते हैं इसमें। एक होता है स्पेशली चटनी जार, जिसमें वेट एंड ड्राई दोनों जार्स होती है। इसका लीड मैं आपको दिखाऊंगा हल्का शॉर्ट कर, ये इसकी चटनी जार की लीड है, जो वेट एंड ड्राई के टाइम में जैसे जिंजर गार्लिक का पेस्ट करते हैं या धनिया हरी मिर्च को आप पेस्ट करते हैं, ये ऊपर में लग जाने के बाद क्या होता है कि नज़र नहीं आता, ये इसके लिए स्पेशली अलग से लीड दिया हुआ। एक इसी के ऊपर फ्लैट जार्स होता है लीड, जिसमें आप डॉ मेकिंग कर सकते हैं नारियल को ग्राइंड करने के लिए। ये बिल्कुल स्मार्ट लुक्स जार्स का है। ब्लेड जो है इसकी नाम है सामुराई एज ब्लेड्स। इसमें टेक्निकल फीचर्स में जो अंतर है, ये मैजिक सील बोलते हैं, जिसके कारण आपका ऑयल लीक ना वाटर लीक होने देता है। नीचे की गैस्केट देखिए, बहुत ही हेवी गैस्केट बना हुआ, जो इसका काम है लॉन्ग टाइम तक हार्ड वर्क करना। ये मीडियम स्मॉल साइज जार हो गया, ये कंप्लीट मीडियम साइज जार है, ये सिर्फ ड्राई ग्राइंडिंग के लिए होती है, जिसमें आप कुछ भी ग्राइंड कर सकते हैं। ABCD ड्राई ग्राइंड, आप इसमें टर्मरिक ग्राइंड कर सकते हैं, कॉफ़ी बीन्स ला रहे हैं, पाउडर आपको सही से नहीं मिल पा रहा, पैनासोनिक के इस जार में 100% गारंटी है कि बिल्कुल पाउडर बीन्स बनाएगा। तीसरा, ये वाला जो जार्स आप देख रहे हैं 1.5 लीटर जार कैपेसिटी बोलते हैं इसको, इसकी भी ट्रांसपेरेंट लीड है। ट्रांसपेरेंट का बेनिफिट ये है कि आप ऊपर से भी पूरा देख रहे हैं और कुछ भी हाई ग्राइंड करते हैं, ये अनब्रेकेबल लीड है, ये टूटता भी नहीं है। ये देखिए, ये बेसिकली होता है व्हिपिंग के लिए, जिसमें आप डॉ मेकिंग कर सकते हैं, लस्सी बना सकते हैं, कोल्ड कॉफ़ी शेक भी बना सकते हैं, क्रीम भी निकाल सकते हैं। स्टेनलेस स्टील जार, इसी का ये दूसरा ट्रांसपेरेंट जार्स है। इसमें 2 टाइप्स के यूज़ कर सकते हैं, पहला फ्रूट फिल्टर जार है इसको बोलते हैं, जिसमें आप जूस भी निकाल सकते हैं, ठीक है सर, जूस भी निकाल सकते हैं, सॉफ्ट जूस बना सकते हैं, वाटरमेलन जूस निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा एडवांटेज इसकी ये है, ये जब फ्रूट फिल्टर हटा देंगे, दूसरे ब्रांड से आप कंपैरिजन करेंगे, बहुत ही हेवी फ्रूट फिल्टर जार है, जो लास्ट टाइम तक इसका वर्किंग रहेगा आपका। ये हटाने के बाद ट्रांसपेरेंट लीड बन जाता है, जिसमें आप बनाना शेक, कोल्ड कॉफ़ी, लस्सी, अनब्रेकेबल जार है, आइस दे के क्रश भी कर सकते हैं, बिल्कुल जार वर्किंग टाइम में ब्रेक नहीं करेगा। दूसरी, ये टेक्निकल फीचर्स जो होती है बहुत कम मिक्सी में होती है, फ्लो ब्रेकर जार बोलते हैं, जो रनिंग में 23,000 RPM मैक्सिमम स्पीड है, रनिंग में बर्फ़ को टकराने से फिर नीचे जाएगा, या बनाना शेक बना रहे हैं लास्ट टाइम में क्या होता है आप निकाल रहे हैं गुठली बन जाता है, ये चीज़ इसमें नहीं होगा। शेक बना रहे हैं या जूस बना रहे हैं, इसकी ओपन लीड्स है, पहले आप ड्रेन कर लें फिर एक बार में आप वॉश कर लें, ठीक है। अगर आपको ऊपर से लग रहा है कुछ मटेरियल्स डालना हो, कुछ टेस्ट के हिसाब से कुछ मटेरियल डालना हो, या दूध डालना हो, या और भी सिरप डालना हो, ये ऊपर से ही निकाल सकते हैं आप खोल कर। ये इसकी सीड है, 3 स्मार्ट लुक बटन है, एक रेड है, ये पल्स है।
ये झाग के लिए होता है, ये ऑफ है, स्लो मीडियम एंड मैक्सिमम इसकी स्पीड्स है। कपलिंग का जो ये एरिया है, मिक्सर ग्राइंडर का भी कपलिंग हेवी दिया हुआ है। इसमें आपका हेवी से क्या होता है, आपका हीट करने के बाद बहुत सारे मिक्सी में जार्स को, ये इस टाइप से जार्स नहीं जाता, वो अंदर चला जाता है, जिसके कारण हीट होता है, मेल्ट हो जाता है। ये एयर क्रॉसिंग रास्ता बना हुआ, एयर क्रॉस से क्या होगा, ये जो गर्म होता है, गर्म नहीं होने देता, बिल्कुल गर्म हवा निकल जाती है, ठंडी रहती है। अब इसका फीडबैक मैंने चारों ओर से बता दिया है, इसकी क्या क्वालिटी है, क्या वारंटी है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसकी मोटर्स की वारंटी लॉन्ग टाइम है, 5 ईयर्स प्लस 2 ईयर्स। इसकी ऑल ओवर इंडिया होम सर्विस होती है, कहीं भी आप ले जा सकते हैं, इसकी होम सर्विस होती है, क्वालिटी बहुत ड्यूरेबल है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें ज़्यादा क्या बोलना, इसका अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ओके दोस्तों।